रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर एक स्कूटी सवार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर रोड में किसी ने बड़ी बड़ी कील लगा रखी थी। उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। रे यार, अब इतनी रात को मैं पंचर कहां बनवाऊं? मेरा घर भी बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं? वो इसी उलझन में पड़ा हुआ था कि एक सफेद कपड़ा पहने हुए मौलाना उसके सामने आ जाता है। उस मौलाना की दाढ़ी बहुत ही बढ़ी हुई, आंखें भयानक, पैर उल्टे। स्कूटी पर सवार मुकेश उसे देखकर डर जाता है। उसने बचपन में सुना था कि भूतों के पांव उल्टे होते हैं और खासकर जो जिन्न होते हैं उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, और उस मौलाना में मुकेश को जिन्न नजर आया। क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी, मैं तो पंचर बनाने वाला हूं। मैं आपकी गाड़ी का पंचर बना दूंगा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर मेरी दुकान है, लेकिन पैसे दुगने लगेंगे। रात को दुगने पैसे लेता हूं मैं। ठीक है, इतनी रात को पंचर बनाना कहां आसान काम है। मैं तो तुम्हें दुगने नहीं, दुगने से भी ज्यादा पैसे दूंगा। बस तुम मेरी स्कूटी का पंचर बना दो। ठीक है साहब, गाड़ी आगे लेकर आओ, वहीं पर मेरी दुकान है। मुकेश गाड़ी को लेकर आगे जाता है। वहां पर एक छोटा सा बल्ब जला होता है। वहां अपनी स्कूटी को लेकर पहुंचता है। जिन्नात उसकी स्कूटी का पंचर बनाता है। ये लो साहब, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। अब जब भी आना मेरे ही पास आना, मैं पंचर बनाने के साथ साथ ही गाड़ी का मैकेनिक भी हूं। मुकेश पंचर बनवाकर चल देता है। जिन्न खुश हो जाता है और अगली गाड़ी का इंतजार करने लगता है। रास्ते में कील गड़ी होने के कारण सभी गाड़ियां पंचर हो जाती हैं और वो उनका पंचर बनाकर ऐसे ही पैसे कमाता रहता है। और एक दिन एक पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती हुई उस रास्ते पर से आती है और पंचर हो जाती है। पुलिस पंचर बनाने वाले के पास जाती है। यार, कल ही मैंने नया ट्यूब लगवाया था, वो भी अच्छी कंपनी का, इतनी जल्दी पंचर कैसे हो गया? सोचने वाली बात है। साहब, रोड पर नुकेले नुकेले पत्थर हैं, अक्सर टायरों में घुस जाते हैं और गाड़ी पंचर हो जाती है। तब तो तेरी दुकान खूब चलती होगी। हाँ हाँ साहब, चलती तो है। पंचर बनाने वाला गाड़ी का पंचर बना तो देता है, लेकिन उसकी हवा भरने वाली मशीन खराब हो जाती है। हवा भरने वाली मशीन खराब होते ही पुलिस वाले कहते हैं, अब इसमें हवा कैसे भर पाओगे और हम लोग फिर कैसे जाएंगे? जिन अपना मुंह टायर के पास ले जाता है और मुंह से ही हवा भर देता है, जिसे देखकर पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहली बार मैंने ऐसा कारीगर देखा जो मुंह से फूंक कर गाड़ी में हवा भर दे। चल बेटा, अब तू भी गाड़ी में बैठ जा। अब तो थाने चलकर ही तुमसे सवाल जवाब करूंगा। रोड में कील ठोक कर सबकी गाड़ी पंचर करते हो और सबको परेशान करके पैसे कमाते हो। मेरे पास ऐसी शिकायतें 3-4 लोगों ने कर रखी हैं, और यही देखने के लिए मैं इधर गश्त के लिए आया था, और आखिर में तुम पकड़े ही गए। उसके बाद पुलिस उस पंचर वाले को बैठाकर थाने की तरफ ले जाती है, लेकिन बीच रास्ते में चलती गाड़ी से पंचर वाला कूद पड़ता है और भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है और वो पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर बहुत दूर तक ले जाता है और सुनसान जगह पर ले जाकर सभी पुलिस वालों को मार देता है, और उसके बाद अपनी दुकान पर वापस चला जाता है। ये बात शहर में चारों तरफ फैल जाती है कि अज्ञात उग्रवादियों ने गश्त करती हुई पुलिस बल को मार डाला। पंचर वाला अखबार पढ़कर बहुत खुश होता है। एक तांत्रिक को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो गाड़ी चलाते चलाते पंचर वाले जिन्नात के पास पहुंच जाता है। अपने सामने तांत्रिक को देखकर जिन्नात भागने लगता है, और तांत्रिक कहां रुकने वाला था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और मंत्र पढ़कर जिन्नात की आत्मा को बोतल के अंदर कैद कर दिया। उसके बाद बोतल लेकर एसपी के पास पहुंच जाता है और कहता है, पुलिस बल को मारने के पीछे उग्रवादियों का हाथ नहीं, इसी पंचर बनाने वाले जिन्नात का हाथ है। इस अपराधी को मैंने बोतल में बंद कर दिया है। आप तो इस बात को नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दिखाओ, सही बात हुई तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और अगर गलत बोलकर भ्रम फैलाया तो दंडित भी किया जाएगा। एसपी की बात सुनते ही तांत्रिक बोतल का ढक्कन खोल देता है। बोतल से धुआं निकलता है, जिन्नात प्रकट हो जाता है। बोतल के भूत को देखकर एसपी हक्का बक्का रह जाता है। एसपी को दिखाने के बाद तांत्रिक पुनः जिन्नात को बोतल के अंदर बंद कर देता है। एसपी तांत्रिक को पुरस्कार देकर विदा कर देता है।
और इस तरह पंचर बनाने वाला जिन सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है।